मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वनटागिया गांव में 153 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल वनटागिया गांव जाते हैं और दिवाली मनाते हैं। इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटागिया गांव पहुंचे और उन्होंने सर्वप्रथम जनपद के 153 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को पत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी चाबी सौंपा। वहीं दिवाली के अवसर पर चाबी पाकर सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया और नवजात बच्चे का अन्न प्राशन किया। उन्होंने एक वनटांगिया के नागरिक के घर जाकर दीपक जलाकर दिवाली मनाया। उसके बाद उनके पर किशमिश के साथ खीर खाया। वहीं पर इस अवसर पर वनटांगिया गांव के नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में खुशी का माहौल है, हम अयोध्या से ही आ रहे हैं। शनिवार को वहां पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है जिसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूतों ने भाग लिया। उन्होंने कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी घोषित हो गई है। यही राम राज है क्योंकि 500 वर्ष का सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले वनटांगिया में कोई भी सुविधा नहीं थी, लोगों को यहां पर पुलिस व वन विभाग के अधिकारी परेशान करते थे, लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद यहां के नागरिकों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया और यहां के बच्चों के लिए 2 स्कूल बनाए गए जिससे कि यहां के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा यहां के नागरिकों के पास घर नहीं था, अब उनको पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनके लिए सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करना इनके लिए सही मायने में यही दिवाली है। उन्होंने कहा कार्य करने का जज्बा होना चाहिए और जो कार्य करे उससे किसी का अहित ना हो, मेरे परिश्रम से जो प्राप्त हो अपने परिवार व समाज के साथ बांट सकूं। पिछले कुछ वर्षों से अपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश व भारत को देखा होगा और बदलते हुए गोरखपुर को देखा होगा। यहां पर जिस चीज की आवश्यकता थी वो सभी चीजें गोरखपुर में उपलब्ध हैं। गोरखपुर में एम्स, फर्टिलाइजर व फैक्ट्रियां लग रही हैं, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह संरक्षण, यह स्नेह, यह हमारे संरक्षक के रूप में मान योजना की लाभार्थी श्रीमती उर्मिला जी आज दीपोत्सव और इस क्रम में हम फिर आमंत्रित करेंगे श्री रामहित जी को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और निष्ठान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री रमेश मौर्य जी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वाटर केयरिंग पाइप का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए जनपद महाराजगंज मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी काफी को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी मती नीतू जी 3,66,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अथक अविराम जन कल्याण के लिए की जो दशकों से था असंभव, आजादी के बाद पहली बार वन ग्रामों में पहुंची मूलभूत सुविधाएं, प्रशस्त हुआ दशकों से उपेक्षित वन ग्रामों की उन्नति का मार्ग। जहां लोग अपने गांवों में आते हैं आज यहां पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का। सम्मानित जन प्रतिनिधिगण के लिए सादर धन्यवाद। आज वनटांगिया क्षेत्र में 153 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय पदम दर्शितम के 10वें श्री गुरुवे नमः। आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर हम सब आतिशबाजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होती हुई यह शुभ कार्यक्रम एक बार जोरदार तालियां दे करके जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के सपनों को पूर्ण करने के लिए देख रहे मानस के लिए सदैव खुश एवं पूरी करने का हम सब आभार एक एक करके जंगल सिंह नंबर 3।
यही पढ़ते हैं। आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, छोटू छोटू इधर मुकर हो। एक इधर, ये लोग लो तो हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक बच्चे हैं, बहुत सुंदर, मेहनत से पढ़ाई करोगे, एक शाबाश। ये इसका मार्केट भी है, मार्केट रहेगा तभी इसका लाभ। आप लोग उधर आ जाए, मैं अंदर आ जाता हूँ। हाँ अंदर जाइए महाराज, आराम से आओ रे। ठीक है भाई, ना उसको वहीं रहने दो। लो भाई काम गणेश, जमाओ उसको, चलो जी। केंद्र को देखता हूं, मेरे शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव ये होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब वंचित दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों यह बढ़ना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है,
उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही गया है। तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है, और इस संपूर्ण भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी तय तो बनता है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम की 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा, हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन इसका उदाहरण है। कुछ लोगों ने तो जान पूछ कर भी उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है। और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली के क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बिहारी मेडिकल कॉलेज था, भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती की सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार की सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिल्वा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर आकर्षित आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में क्रीड़ा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे, एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस
और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में जो रक्षा वातावरण उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी, 22 लाख से भी दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा, कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस बात की है, हम सब भी संयम के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर भंटानिया से समर्पित और पिछड़ी जो ग्राम पंचायत है उनसे समर्पित 153 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर की सभी ग्राम पंचायत वासियों को, भंटानिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दीपावली का उत्सव और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर लेता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वनटांगिया गांव के नागरिक लक्ष्मी मीना ने कहा, किशमिश खाए हैं हम लोग को, बहुत अच्छा लगा है। हर साल आते हैं, वो नहीं आएंगे तो हम लोग बात ही नहीं धराएंगे दिया, और नहीं दिवाली मनाएंगे। हाँ, 7वां बार हो गया मेरे घर में, 7 लोग के 8 लोग के साथ दिवाली मनाते हैं, हर साल दिया जलाते हैं। हाँ, ये भी बताया जाता है कि जब तक मुख्यमंत्री जी दिया नहीं जलाते तब तक दिवाली, तब तक हम लोग नहीं मनाएंगे। क्या नाम आपका? लक्ष्मीना।